सोमवार को नगर निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर 34% महंगाई भत्ता, मकान किराया, गाड़ी भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कलमबंद हड़ताल किया, जिससे बेहद जरूरी कार्यों को छोड़ सभी कार्य प्रभावित रहे और निगम के विभागों पर ताला लटकता रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी लगातार विगत 4 माह से अपने बढ़े हुए महंगाई भत्ते की मांग को लेकर आंदोलनरत है, जिसका असर अब गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि सोमवार को भिलाई निगम सहित प्रदेश के सभी नगर निगम में अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल का शुभारंभ किया और यह तब तक चलने की आशंका है जब तक राज्य सरकार इनकी मांगों को न मांग ले। परंतु इन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहर की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर जरूरी कार्यों को जारी रखा गया है, जिसमें सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था इत्यादि शामिल है। सोमवार को भिलाई नगर निगम के सभी विभागों में ताला लटका हुआ देखा गया और निगम में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्तमान में 43% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के निगम कर्मचारियों द्वारा मात्र 34% महंगाई भत्ते समेत किराया एवं गाड़ी भाड़े की मांग की जा रही है। यह आंदोलन विगत 4 माह से चला आ रहा है, जो अब एक अलग दिशा में जाता नजर आ रहा है। सोमवार को निगम भिलाई के मुख्य द्वार पर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक बार पुनः प्रयास किया। मामला यह है कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से अपनी प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की 34% महंगाई भत्ता और मकान किराया भाड़ा भत्ता को बढ़ाने को लेकर पिछले 4 महीने से आंदोलनरत है। इसी में आज कलमरत और काम बंद का एक आह्वान किया गया था, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के कर्मचारी अधिकारी भाग लेते हैं। नहीं, ये जो आपकी मांगे हैं ये पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति के लिए 75 संगठन एक साथ अधिकारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। वो जैसा निर्णय करेंगे आगे उसको सर्कुलेट किया जाएगा पूरे प्रदेश में, और उनके निर्णय के आधार पर बाकी संगठन 75 संगठन जो उनके साथ हैं वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे। कर्मचारी अधिकारी प्रदेश में अपनी 34% डीए की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है। विधानसभा सत्र में अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के, सांसदों, विधायकों के और पार्षदों के मानदेय को आगे पूर्व में बढ़ाया जा चुका है। अभी विधायकों के मानदेय को भी बढ़ाकर डबल किया गया है। ये प्रदेश की मुखिया इस बात से वाकिफ हैं कि अगर खजाना खाली है तो कर्मचारियों को भी उसमें से प्रदान किया जाए। हमारी इतनी मांग है कि हम 34% डीए जो केंद्र सरकार दे रही है उसके अनुसार कर्मचारी अधिकारियों को भी प्रदान किया जाए और 2007 वेतन मान के आधार मान से किराए भाड़ा भत्ता को बढ़ाया जाए। अब तो मालूम है पिछले 4 महीने 6 महीने से आ रहा है केंद्र सरकार में 34% डीए मिल रहा है, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, और HRA है, गृह भाड़ा भत्ता। तो मांगों को लेकर के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जो एक अभियान छेड़ा है, जिसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी विभाग हैं और इवन जो अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त जो शासकीय और अशासकीय जो हमारे जो संगठन है, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूली शिक्षा की जो टीम है, साले शिक्षा संघ और भी कई जो है, संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे और अजय ये वाले सिंह वाले और राजपूत सिंह, वो सब भी हमारे साथ हैं और धीरे धीरे जो अभी नहीं है वो भी साथ आ गए हैं, क्योंकि जस्टिफाइड मांग है। क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 19 से जो उन्होंने महंगाई भत्ता 1 जुलाई 22 तक का जो बढ़ाया है समय समय पर हर 6 महीने में, इसके अनुपालन में पहले पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हैं इसके लिए जैसे ही केंद्र सरकार ने बढ़ता था, वेरी नेक्स्ट डे अगले ही दिन सीएम भी नहीं, मुख्य सचिव जो है घोषणा कर देते थे, एक आदेश जारी होता था, वो आदेश लग जाता था। आज तक मतलब आश्चर्य होता है जो यहाँ से जो रिटायर्ड जो लोग हो गए हैं उनको जब बोला जाए, जो इस प्रदेश से बाहर गए हैं वो अधिकारी कर्मचारी बोलते हैं डीए के लिए, महंगाई भत्ते के लिए आप लोग को सड़क में आना पड़ रहा है। HRA के लिए तो जस्टिफाइड चीज है, जैसे आप तनख्वाह मिलती है, इंक्रीमेंट हर साल जुड़ता है तो ये होना चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हमने सोचा चलो कोरोना काल चल रहा है, 19-20 भी निकल गया, जब हमने ज्ञापन दिया, समय दिया, एक दिन का CL दिया, प्रतीकात्मक हम लोगों ने
एजिटेशन किया, बहुत शांतप्रिय ढंग से 3-4 महीने से चल रहा था, और जब नहीं सुना तब ये रणनीति, इसको भी एक महीना पहले घोषित किया। 5 दिन पूरे सरकारी कार्यालय मंडे से लेकर के सोमवार 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई शुक्रवार तक टोटल बंद रहेंगे, जिसमें पूरे अधिकारी कर्मचारियों का समर्थन है। साथ में एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, चौथा प्रिंट मीडिया को, कि आवश्यक से जैसे पानी, बिजली, बोरिंग, साफ सफाई, इसको हम लोगों ने बिल्कुल अलग रखा है। इस चीज को हम लोगों ने इतनी संवेदनशीलता है कि नागरिकों से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी जस्टिफाइड मांगे हैं उसके लिए समर्थन करें, और हम लोगों ने जो है सिर्फ आवश्यक सेवा का छोड़ा है अभी फिलहाल 5 दिन। और मेरा स्वास्थ्य साथी कर्मचारी महासंघ जो हमारा बहुत बड़ा हमारे बड़े भाई कुल दल है, वो भी हमारे साथ में है, और कर्मचारी कांग्रेस तो है ही है पूरा। हम लोग सभी संगठन मिलकर के पूरे प्रदेश में 169 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में ये स्ट्राइक, ये हड़ताल आज 25 जुलाई से दूसरा चरण जो है चालू हो जाएगा, 29 तक बंद रहेगा टोटल। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले यह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते की मांग की जा रही है। निगम के अधिकारी कर्मचारियों सहित इस आंदोलन को समर्थन देने वाले कर्मचारी संगठन भी यह कह रहे हैं कि जल्द मांगे पूरी ना हुई तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।